रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। अम्बाला के सुभाष पार्क में सुबह की सैर करने वाले उस वक्त हैरान रह गए जब तालाब में मरी हुई मछलियां पानी की सतह पर तैरती दिखाई दी और ये चर्चा का विषय बन गया। जब यह पूरी घटना हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री के संज्ञान में आई तो अनिल विज ने संबंधित अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए। ज्यादा जानकारी देते हुए अनिल विज ने बताया कि उन्हें सुबह तालाब में मछलियों के मरने की सूचना मिली थी, जिसके बाद उन्होंने इसकी जांच के निर्देश दिए हैं और इसके पीछे का कारण पता लगाया जाएगा, जिसके बाद मौके पर नगर परिषद और मत्स्य विभाग की टीम ने पहुंचकर जांच शुरू कर दी। इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए जिला मत्स्य अधिकारी रंजना ने बताया कि प्राथमिक जांच के मुताबिक ये लग रहा है कि ज्यादा गर्मी और ताजा पानी न मिलने की वजह से मछलियां मरी हैं। फिलहाल सैंपल ले लिया गया है और अब रिपोर्ट आने के बाद ही सही कारणों का पता लगेगा। अम्बाला से हमारे संवाददाता पंकज भाटिया की रिपोर्ट। सर, अम्बाला के सुभाष पार्क में मछलियां मरी हुई तैरती दिखाई दी, क्या कुछ कोई मामला? हमारे एडमिनिस्ट्रेटर से भी बात की है, किसी एक व्यक्ति ने पार्क में जाने वाले ने बताया कि मछलियां वहां के मर गई हैं और ऊपर तैर रही हैं। तो मैंने कहा है कि भाई इसकी जांच कराई जाए, पानी भी टेस्ट किया जाए और थाने में FIR भी दर्ज कराई। ब्रजेश कुमार सेक्टर म्यूनिसिपल काउंसिल अम्बाला सदर। आज जैसे कि अभी मतलब सुबह सूचना मिली कि जो सुभाष पार्क अम्बाला छावनी में जो ये अपना तालाब है, मतलब इसमें बना हुआ झील है, उसमें मतलब जो बोटिंग्स भी होती है और इसमें जो मछलियां हैं वो मृत पाई गई हैं। अब इसमें ये जो हमने कि मतलब जिला मत्स्य अधिकारी जो हैं वो उनको मतलब हमने पत्राचार किया, उनसे दूरभाष पर बात की और वो यहाँ पर स्वयं मतलब यहाँ पे मत्स्य पालन विभाग से जो हैं मैडम वो यहाँ पर आए हुए हैं और उनकी टीम भी यहाँ पर आई है। तो यहाँ पर ये जो हमने इनके सामने उन्होंने जो है इसका जो तालाब में से जो इसका सैंपल है पानी वगैरह का वो ले लिया गया है और जो जो मृत मछलियाँ पाई गई हैं उनको यहाँ से मतलब इसमें से तालाब में से निकाल के इसको यहाँ से उठवाया जा रहा है ताकि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई वो जो अपना कोई स्मेल हो जो ना हो और इसको पानी को जो मतलब इसको साफ करवाया जा रहा है आज की ताम यहाँ पर। और इसके लिए हम आज जो भी अगर कोई कोई इसमें कोई कोई भी दुर्घटना या इसकी जांच का विषय है वो जो इसको जांच के लिए लिख दिया जो भी इसका तथ्य सामने आए। कुछ कारण पता लगा है इनका? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, सामने सैंपल ले लिया है, जो भी इसमें जांच में आएगी वो सामने। ये एक तो गर्मी की वजह है मेन, तो अगर इसमें जहर वगैरह होती तो सारी की सारी मछली मरती। अभी मछली मर मर के धीरे धीरे आ रही है ना ऊपर, इसमें फ्रेश वाटर का अरेंज नहीं है एक्चुअली, तो डलता नहीं है, इस वजह से भी है। और 3 से 5 गर्मी में ये दिक्कत आ जाती है कभी कभार, इसलिए इनकी मछली मर रही है। बाकी इनको हम इनकी जो मछली के सैंपल लेके जा रहे हैं, एक बार वाटर का सैंपल लेके भी जा रहे हैं, उसको हम चेक करेंगे, लैब में चेक करवाएंगे, अगर उसका पोस्टमार्टम करवाएंगे मछली का, अगर कोई दिक्कत आती है तो इनको बता दिया जाएगा कि क्या है उसमें दिक्कत है। मैम, ये मछली का कारण होता तो गर्मी होता तो एक दो मरती, लेकिन इकट्ठी है मछली लिए हैं? नहीं, एक्चुअली मैं बताती हूँ कि जैसे मछली बड़ी हो रही है, मछली की ज्यादा इसमें एक क्राउड ज्यादा हो गई है ना, इसमें ताजा पानी चल नहीं रहा, इस वजह से मरी है ये मछली। तो इसके कारण ये जो गंदा पानी है इसके करके भी थोड़ी इनकी मौत हुई? गंदा पानी तो नहीं है ज्यादा, यहाँ पे गंदा पानी तो नहीं है, मैं आपको बताती हूँ, गंदे पानी की वजह से नहीं मरी है मछली। ये मछली तो जैसे इसका वेट बढ़ रहा है ना, इन्होंने निकलवानी थी ये मछली, थोड़ा वेट बढ़ रहा है मछली की, इसमें अमाउंट ज्यादा है, क्वांटिटी ज्यादा है और पानी का लेवल कम है, इस वजह से मछली मर रही है। क्या नाम है? मेरा नाम है रंजना रानी, मैं फिशरी ऑफिसर की पोस्ट पे हूँ अम्बाला में। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।